मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 635 से ज्यादा क्षेत्र पंचायतों में भाजपा उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में लोकतंत्र को जाति, मत और मजहब के नाम पर पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के हाथों गिरवी रखा जाता था। इस बार लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग चुनाव लड़ सका है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा को मिली जीत केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ताओं के जरिए जन जन तक पहुंचाने का नतीजा है। सरकार और संगठन के टीम वर्क से लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ी जीत मिली है। चुनाव में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत हर तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। गौरतलब है कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नतीजे आने के बाद शनिवार की शाम भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने 825 में से 735 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 14 सीटें सहयोगी दलों को दी गई, जबकि 76 सीटों पर पार्टी के ही एक से अधिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के कारण वहां पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं किए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि शाम तक घोषित परिणाम में 635 क्षेत्र पंचायतों में भाजपा के प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। इनमें से 334 का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 4 चरणों में कराए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में रहा। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 85% सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना कालखंड में अपनी जान की परवाह किए बिना जनसेवा करने के साथ चुनाव जिताने का काम किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत ग्रामीण विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों का आभार जताया है। उन्होंने पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से जान गंवाने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से गाइडलाइन में परिवर्तन कराकर कोरोना संक्रमण के दौरान दिवंगत हुए कार्मिकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि देने का काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिला करके इस अवसर पर माननीय बंसल जी माननीय मुख्यमंत्री जी को खिलाएंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मिष्ठान खिला करके एक खुशी का इजहार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी भी और मित्रों, मैं आज की इसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम, उसके जीवंत उदाहरण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आज क्षेत्र पंचायत के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि
26 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और उसके बाद चार चरणों में 15 अप्रैल 19 अप्रैल 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को ये चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 58,189 में से 58,176 पे चुनाव संपन्न हुए थे। क्षेत्र पंचायत के 75,852 में से 75,852 क्षेत्र पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। ग्राम पंचायत सदस्य के 7,32,485 कुल सीटों में से सभी पर यानी 7,32,485 पे चुनाव संपन्न हुए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 826 में से 825 में आज चुनाव संपन्न हुए हैं, मतगणना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। जिला पंचायत की 3,050 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिनमें से 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अभी हाल ही में विगत सप्ताह संपन्न हुए हैं, यानी कुल 8,70,477 में से 8,70,463 ये चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मेंबर चुने गए, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, आज प्रमुखों का चुनाव हुआ है, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव हुआ है और इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पार्टी की जो रणनीति थी, जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं का संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। क्षेत्र पंचायत के 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें 75,852 सदस्यों ने भागीदार बनकर के चुनाव संपन्न किया और आज जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 825 में से 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे, सहयोगी दल अपना दल एस को दिया था और 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, यानी दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही लड़ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने उसको फ्रेंडली, उसको पार्टी की तरफ से उन दोनों को स्वतंत्रता दी थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर हम लोग पार्टी नहीं बनेंगे, वे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को वहां पर लड़ेंगे। यानी कुल
90 सीटें ऐसी थी जो हम लोगों ने फ्री छोड़ी थी 14 अपने सहयोगी दल के लिए और 76 उन कार्यकर्ताओं के लिए जहां पे दो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर लिए थे और बाकी 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी समर्थित किए थे। उन्होंने समर्थन 735 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर अपना समर्थन दिया। आज जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिंदरियों को अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों ने अपने समर्थन से जिला पंचायत के चुनाव क्षेत्र पंचायत के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान के 58,176 सीटों पर परिणाम आए ग्राम प्रधान बने क्षेत्र पंचायत के 75,852 सीटों के परिणाम आए वहां पर इतने सदस्य बने और फिर ग्राम पंचायत के 7,32,485 सदस्य ग्राम पंचायत समिति के चुने गए 8,70,463 कुल सदस्यों का चयन हुआ या इसके अध्यक्ष बने इन सब का चयन हुआ है। बहुत बड़ी चुनाव की प्रक्रिया थी इस यानी दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लगते हैं मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा भी। सभी विजयी प्रत्याशियों को जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बने ग्राम प्रधान बने क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य बने और ग्राम पंचायत के सदस्य भी बने हैं उन सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं उन सबका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आज वे लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उन्होंने जन विश्वास अर्जित किया और आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कोरोना कालखंड में स्वयं के जान की प्रवाह के बगैर एक तरफ कोरोना से जूझना कोरोना में सेवा ही संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास किया और दूसरी तरफ अपने अधिकृत प्रत्याशी को जिताने में योगदान दिया चाहे वह ग्राम प्रधान का हो क्षेत्र पंचायत का हो जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख का हो इन सब पर विजयी बनाने में जो योगदान दिया हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं हमारे सहयोगी मंत्रीगण हैं प्रदेश के पदाधिकारी हैं क्षेत्र समितियां हैं जिला की हमारी जो कमेटियां हैं मंडल के जो हमारे अध्यक्षगण हैं इन सब ने जो योगदान दिया है इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं उन्हें बधाई देता हूं इस विजय के लिए कि उन सभी कार्यकर्ताओं का और इन सब के सामूहिक टीम वर्क का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना भारी समर्थन कोरोना से जूझते हुए लड़ते हुए पंचायत चुनाव में इतना भारी समर्थन प्राप्त किया।
राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि कोरोना के उस कालखंड में पंचायत चुनाव को 4 चरणों में उन्होंने संपन्न किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, इन 4 तिथियों में ये चुनाव सभी संपन्न हुए थे। और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 10,12,395 मतदान कर्मियों ने इसमें भाग लिया था, 75 प्रेक्षक भी गए थे, 1,735 जोनल मजिस्ट्रेट गए थे, 11,561 सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपनी सेवाएं दी, 379 सहायक निर्वाचन क्षेत्र पंचायत सदस्य इसमें गए थे, 879 निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए गए थे, 7,971 सहायक निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य गए थे, 876 निर्वाचन अधिकारी ग्राम प्रधान के गए, सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में 9,234 प्रभारी ग्राम प्रधान, 1,406 और सहायक ग्राम प्रभारी ग्राम प्रधान 3,094, यानी कुल 10,49,680, यानी 10.5 लाख राज्य कर्मियों ने निर्वाचन आयोग के निर्देशन में इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया है। और इसमें ये सभी चुनाव इसके साथ संपन्न हुए हैं, इसमें अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने, पीएसी के जवानों ने, होमगार्ड के जवानों ने, इन सब की संख्या देखेंगे तो ये काफी बड़ी संख्या होती है, जिन्होंने इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से, यानी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आयोजन को इतनी बड़ी संख्या में, जहां पर हम लोग 8,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया है। इन सभी अधिकारी कर्मचारियों ने को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इसमें से कुछ लोग कोरोना की चपेट में भी आए, कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर के असमय कालकल भी थे, उन सब के प्रति भी मैं अपनी संपूर्ण, उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने जैसे पहले ही व्यवस्था दी कि कोरोना कालखंड में जो भी कर्मचारी ट्रेनिंग से लेकर निर्वाचन ड्यूटी से लेकर या उसके पास उस ड्यूटी के दौरान अगर वह संक्रमण की चपेट में आया है और दुखद मौत उसकी भले ही 1 महीने के अंदर कभी हुई हो, तो उन्हें हम जो कंपनसेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से तय किया था, उस कंपनसेशन से आच्छादित करेंगे। और राज्य सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन करने की के लिए निर्वाचन आयोग को कहा, निर्वाचन आयोग ने फिर अपने गाइडलाइन में संशोधन करने के बाद हमें उस प्रकार का प्रस्ताव बना के भेजा। राज्य सरकार उन सभी कर्मियों को उस प्रकार का कंपनसेशन भी दे रही है, उनके परिवार के सदस्यों को एक नौकरी भी दे रही है, लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती है। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है और ड्यूटी करते हुए जिन कर्मियों ने अपने आप को समर्पित किया, लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान किया, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने में जो योगदान दिया वो अत्यंत सराहनीय रहा, और इतने बड़े चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना ये अपने आप मुझे लगता है जिस राज्य में लोकतंत्र को जाति, मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था,
आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। और वे सभी लोग आज इस चुनाव में वो परिणाम भी सामने आ रहे हैं, ग्राम प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए हुए चुनाव उसी गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी जो विजयी प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के भी और क्षेत्र पंचायत के भी, इन सबको मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अहर्निश प्रयास करके एक सम्मानजनक विजय पार्टी के लिए उपलब्ध करवाई है और हर तबके के कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि जिला पंचायत में भी और क्षेत्र पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक तबके के लोगों, कार्यकर्ताओं को, एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया गया। कोई प्रमुख बन रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का बना है। 870,000 से अधिक लोग लोकतंत्र की इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके गांव तक विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का काम के इस प्रक्रिया के साथ लगेंगे। एक बड़ा कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए उन सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को और जिन सभी लोगों ने, जो पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी, जो कर्मचारी या जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफल संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद आने वाले समय में ये सभी त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी हुई हमारी व्यवस्थाएं विकास की गति को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा के रूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए गांव के विकास को प्राथमिकता दी है, गांव को विकास की धुरी बनाया है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद विकास की योजनाओं के का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत बना है। ग्राम पंचायत का बढ़त काफी बजट बढ़ा है, क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में काफी रिफॉर्म हुए हैं और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए जो एक आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ाने में हमारी ये पूरी टीम, जो 770,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये सभी लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश पदाधिकारियों को, हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री जी जिनकी रणनीति में इस पूरी प्रक्रिया को प्रदेश संगठन ने आगे बढ़ाया है, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि सरकार और संगठन की जो एक टीम थी, एक टीम वर्क था, ये टीम वर्क इस व्यापक परिणाम को लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैं सभी विजयी प्रत्याशियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।